हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैंने गायों का सारा काम ख़त्म करके अभी बना रही हूँ खाना, और इसके बाद जाऊँगी गायों को चराने भी, और वहीं से घास भी ले आऊँगी। तो आज मैं रेसिपी करूंगी शेयर आपके साथ छूछ का साग, जो कि मेरी सबसे मनपसंद सब्जी है। तो ये मतलब पानी के किनारे होता है, जैसे खड्ड के किनारे या नदी नालों के किनारे। तो ये है छूछ का साग, और ये लाए थे मेरी ननद जी। तो उनके होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे होते हैं इसके। और इसका आलू के साथ भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, और ऐसे चावल वाला साग भी। तो ये देखिए, ये है साग, और इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँ, ऐसे करनी पड़ेगी इसकी सफाई। जैसी जैसी मतलब 2-3 दिन हो गए थे उन्हें लाए हुए, तो टाइम नहीं लगा बनाने के लिए, और ये थोड़ा सा ऐसे पीला पीला जैसा हो गया। तो मैं इसकी हरी हरी पत्तियाँ ले लूँ, ऐसे हरी हरी पत्तियाँ निकाल लेती हूँ, इसको साफ कर लेती हूँ, और फिर कट करके तब मिलती हूँ आपके साथ। और यहाँ पर लगा है, देखिए कितना ज़्यादा धुआं चूल्हे में। तो मैं कर लेती हूँ इसको साफ। तो ये यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी, और इसमें डाल दिया है तेल, और ये बैठी है यहाँ पर मीनाक्षी। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। ये मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिया है, और ये है थोड़ी सी मेथी दाना, और धनिया और जीरे के दाने, और ये यहाँ पर है आलू, और ये यहाँ पर साग है थोड़ा सा, अभी मेरे साफ करने को है। तो मैंने सोचा कि जितने को इसको मैं साफ करूँगी, उतने को आलू पक जाएंगे, और बाद में इसको डालूँगी। तो तेल अच्छे से पक चुका है, और यहाँ पर मैंने अभी मतलब ले ही करी है मेले में फर्श में। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, अभी मैं इसको गोबर और मिट्टी से इसकी लिपाई करूँगी। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, और अब मैंने डाल दिए इसमें सूखे मसाले, और ये डाल दिया प्याज, तो अब मैं इसको अच्छे से पकने देती हूँ। हाँ जी, खा लो। तो ये डाल दी मैंने सूखी लाल मिर्च, और ये हल्दी मीनाक्षी छेड़ा लगाने वाली है, और ये नमक, और ये थे आलू यहाँ पर, तो इनको मैंने धो लिया है। कितना देना टुकड़ी से? हाँ जी, तो अब मैं इनको थोड़ी देर पका लूंगी, और उसके बाद डालूंगी इस साग को। इतना सा ही हुआ है, और ये नीचे मतलब पीला हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, तो इसको भी धो लेती हूँ। और पहले मेरे को ध्यान नहीं आया कि इसको मैं धो लूँ, अगर पहले धो लेती तो अच्छा रहता है, क्योंकि इससे फिर भी का नींद आधी चले जाती है पानी के साथ। तो अब मैं इनको पका लेती हूँ, और उतने को और काम करूँ, उसके बाद डालूँगी इसको फिर। तो ये देखिए आलू पक गए, और अब डालूंगी मैं इसको इसमें।
तो ये डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया और प्याज की कलियां और साग। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है और अब बनाएंगे हम चपाती। तो चपाती बनाती रहेगी भारती और मीनाक्षी जाएंगे गायों के पास। तो ये वीडियो रविवार वाले दिन की है, छुट्टी वाले दिन की, और आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। आगे थोड़ी सी क्लिप गिद्दे की है तो आप भी फुल इंजॉय कीजिएगा। और सब्जी हमारी पक चुकी है तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, छूच का साग, और हमारे शरीर को लाभदायक भी होता है। Yeah.